दोस्तों, क्या आपको पता है कि एमई प्लांट का परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि एमई प्लांट में जब वर्क करते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एमई प्लांट का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी स्टीम इकोनॉमी क्या होती है, सिंगल इफेक्ट, डबल इफेक्ट या मल्टीपल इफेक्ट के लिए कितनी स्टीम इकोनॉमी होती है, उसका रेंज क्या है, कंसंट्रेशन रेशियो कितना होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है उसका फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि एमई प्लांट का परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा कि एमई प्लांट का परफॉर्मेंस आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे और कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एमई प्लांट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए समझते हैं एमई प्लांट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एमई प्लांट क्या होता है। तो देखिए, एमई प्लांट में हम लोग लिक्विड को इवैपोरेट करते हैं, और जब लिक्विड को इवैपोरेट करने के लिए कई स्टेज में उसको इवैपोरेट किया जाए, यानी कि फर्स्ट स्टेज में किया जाए, फिर उसको सेकेंड स्टेज में, फिर उसको थर्ड स्टेज में, यानी कि हम लोग उसको कई स्टेज में जब इवैपोरेट करके उसको कंसंट्रेट करते हैं, या उसको प्योर करते हैं, या उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्टेज इवैपोरेशन। तो हम लोग एमई प्लांट का उपयोग किसी विक सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं, और इंडस्ट्री में इसका बड़े स्केल पे यूज किया जाता है। तो जैसे देखिए, अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो गई, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री हो गई, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री जहां पर विक सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए अलग अलग पर्पज के लिए, तो इसका जो इंडस्ट्री में उपयोग बहुत बड़े लेवल पर होता है। अगर आपको जानना है कि एमई प्लांट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप का होता है, और इसका मटेरियल बैलेंस कैसे किया जाता है, इन सब टॉपिकों के ऊपर मैं वीडियो डाल रखा हूं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। तभी हम बात करेंगे एमई प्लांट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के बारे में। केवल तो एमई प्लांट के परफॉर्मेंस को हम लोग कुछ मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको बोला जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KPI, इसके द्वारा हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। इसमें हम आपको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, यानी कि आपके एमई प्लांट की हीट ट्रांसफर इफिशियंसी कितनी है, इसको द्वारा ये पता चलेगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्टीम इकोनॉमी, यानी कि 1 kg वाटर को इवैपोरेट करने के लिए, यानी कि 1 kg विक सॉल्यूशन को इवैपोरेट करने के लिए कितने स्टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसके द्वारा ये पता चलता है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन रेशियो, यानी कि आपका जो फीड का जो कंसंट्रेशन है और आपका जो कंसंट्रेट का जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों की रेशियो कितनी आ रही है। और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी कंजप्शन, यानी कि ओवरऑल 1 kg वाटर को इवैपोरेट करने में कितनी एनर्जी की कंजप्शन हो रही है। तो इन 4 पैरामीटर के आधार पर हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपका एमई प्लांट अच्छा से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक डाटा की जरूरत पड़ेगी। वो डाटा है कि आपका फीड फ्लो रेट कितना है और कंसंट्रेट फ्लो रेट कितना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इनकमिंग स्टीम है वो कितनी है, यानी कि कितना स्टीम आप यूज कर रहे हो एमई प्लांट में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप कितना वाटर इवैपोरेट कर रहे हो, यानी कि जो इवैपोरेशन जो रेट है आपका वो क्या है, और आपका जो कंसंट्रेट है उसको आप कितना और कंसंट्रेट कर पा रहे हो। ये सब डाटा आपको पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो एमई प्लांट के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है ये तो आपने जान लिया, और उसके लिए क्या नेसेसरी डाटा होता है उसके बारे में भी आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं उन फॉर्मूले के बारे में जिसके द्वारा आप जो परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को यू से डिनोट किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है U = Q/A (Δt), जिसमें U है वो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जो Q है वो है हीट ट्रांसफर क्वांटिटी, और जो A है हीट ट्रांसफर एरिया, और जो डेल्टा T है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। इसके बाद देखते हैं स्टीम इकोनॉमी को। स्टीम इकोनॉमी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है वाटर इवैपोरेटेड डिवाइड बाई स्टीम यूज्ड। इसमें देखिए, अगर आपको 1 kg वाटर इवैपोरेट करने के लिए 1 kg स्टीम की जरूरत पड़ती है तो उसकी स्टीम इकोनॉमी आएगी 1। वहीं अगर मान लीजिए 1 kg वाटर को इवैपोरेट करने के लिए स्टीम यूज हो रहा 1.5-1.2 kg, तो उसकी जो स्टीम इकोनॉमी आएगी लेस देन 1 आएगी।
तो इस प्रकार से आप स्टीम इकोनॉमी यमी प्लांट का कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना वाटर ऑपरेट हो रहा है और उसके वर्सेस कितना स्टीम यूज हो रही है। तो देखिए, जो सिंगल इफेक्ट जो ऑपरेशन प्लांट होती है उसकी स्टीम इकोनॉमी होती है 0.92-0.98, वहीं अगर डबल इफेक्ट की हम लोग बात करें तो उसकी स्टीम इकोनॉमी होती है 1.72-2.0, और जो ट्रिपल इफेक्ट जो ऑपरेशन प्लांट होते हैं उनकी जो स्टीम इकोनॉमी होती है 2.4-2.8। तो देखिए, जैसे नंबर आप स्टेज बढ़ते हैं वैसे स्टीम इकोनॉमी अपनी बेहतर होती है, यानी कि हम जो एनर्जी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं, हमारी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है। यानी कि जैसे आप सिंगल इफेक्ट से डबल ट्रिपल फोर्थ फाइव जितने स्टेज में आप बढ़ते जाएंगे उतनी ही आपकी स्टीम इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी, क्योंकि आप 1 kg स्टीम देके आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का ऑपरेशन कर पाएंगे, इसीलिए स्टीम इकोनॉमी बेहतर होती जाती है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे स्टीम इकोनॉमी को। अब बात करेंगे एमी प्लांट कंसंट्रेशन रेशियो के बारे में। तो इसको देखिए, आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फीड जो आप कर रहे हो, जो सिस्टम के अंदर आप जो फीड कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, और आपका जो कंसंट्रेट जो है उसका कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो कंसंट्रेट को आप जो फीड के कंसंट्रेशन से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपका कंसंट्रेशन रेशियो मिल जाता है, जैसे कि जो फार्मूला है कंसंट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फीड कंसंट्रेशन, ठीक है। इस फॉर्मूले के द्वारा आप कंसंट्रेशन रेशियो को इजीली निकाल सकते हो। बात करते हैं कि एमी प्लांट की एनर्जी कंजप्शन को कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, इसके कैलकुलेशन का जो फार्मूला वो है एनर्जी यूज डिवाइड बाय वाटर ऑपरेटेड, यानी कि 1 kW प्रति हावर्स एनर्जी अगर जो आपकी कंज्यूम हो रही है तो उसमें कितने मीटर क्यूब आप वाटर को ऑपरेट कर पा रहे हो, तो इसका जो रेशियो होता है इसके द्वारा आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी एनर्जी कंजप्शन कितनी हो रही है, यानी कि जो आपका जो डिजाइन है उससे ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है या बराबर हो रही है, यानी कि 1 m³ वाटर को ऑपरेट करने के लिए कितनी kW एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, तो इससे आपकी एनर्जी कंजप्शन निकल जाती है। तो इन सभी परफॉर्मेंस एनालिसिस के आधार पर आप कह सकते हैं कि आपका एमी प्लांट का परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके एमी प्लांट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको आप ट्रैक कीजिए कि कहां से परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को आप शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, अगर आप ऑन डिस्कशन हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।